दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। चॉकलेट बनाने का बिजनेस, केक बनाने का बिजनेस मात्र 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। और जिनके पास में हूं ये दीपाली जी है, ये विनीत जी हैं, बहुत बड़े होलसेलर हैं। भैया आपको हर एक आइटम घर बैठे दे देंगे। और भैया इनके पास से सिंगल पीस सिंगल सेट भी मंगवा सकते हो। केक बनाने में, चॉकलेट बनाने में हर एक आइटम जिसकी जरूरत होती है वो इनके पास में मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे आइटम कि भैया आपको सिर्फ अपने घर ले जाना, इसमें क्या मिलाना, खाली पानी वाटर एंड ऑयल, पानी और ऑयल मिलाना है भैया, आपके केक का मटेरियल बन जाएगा पूरा का पूरा, सिर्फ आपको उसको शेप देनी है। हाँ जी, रेसिपी रिटन है इस पे, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, इनका अपना चैनल है, जाकर के सीख सकते हो। भैया बनाना भी सिखाएंगे और बेचना भी सिखाएंगे। मात्र 500 इस बिजनेस में लगाते हो तो 500 का माल तकरीबन 1000 रुपए में बिक सकता है। हाँ जी, आराम से डबल का मार्जिन मिला सकते हो। और भैया जैसे कि अभी देख पा रहे हो होली आने वाली है, कुछ इस तरीके बॉक्सेस इनके पास में, बॉक्सेस की बहुत बड़ी वैरायटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड में, आप देख सकते हो बहुत बड़ी वैरायटी। और जैसे कि आप देखेंगे इनके पास में केक बनाने का हो, चॉकलेट बनाने का हो, हर एक मटेरियल मात्र शुरुआत कितने रुपए से, वैसे अपने पास में 250 रुपए से, 150 रुपए से, ये 150 रुपए से हर एक आइटम मिल जाता है। इतनी बड़ी शॉप है, अगर सारा आइटम आपको दिखाऊंगा तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश करिए, वीडियो थोड़ी लंबी बनी है लेकिन हर एक आइटम दिखाया, हर एक आइटम जो आपके केक के अंदर चॉकलेट के अंदर में डलेगा और जिसको आप अपने घर बैठे ये एक सिंगल सेट या सिंगल होलसेल के अंदर में आप मंगवा सकते हैं। बहुत बेस्ट मार्केट से सबसे बेस्ट प्राइस है मैम अपने पास। हाँ जी, और इनकी वेबसाइट से ही मंगवा सकते हैं। हाँ जी, क्या बात है, इनके कैटलॉग से ही मंगवा सकते हैं। पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर ने सर ने और मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बिजनेस अगर आप अपना कर लेते हो तो भैया इस बिजनेस के अंदर इतना मुनाफा है जितना किसी बिजनेस में नहीं है। देखना, स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी। हेलो, सलाम, नमस्ते, सस्त्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं विराज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल से सब व्लॉग्स के ऊपर। और मुझे देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के राम राम भी। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ रानी बाग के अंदर एक ऐसे होलसेलर के पास में जो आपको भैया एक ऐसा बिजनेस देने वाले हैं जिससे आप अपने घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मात्र कितनी इन्वेस्टमेंट से, 400-500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 2 साल पहले मैम की वीडियो बनाई थी, दीपाली मैम का नाम है और चोको सेंटर करके इनके अपनी फर्म का नाम है, जिसके अंदर आपको भैया आपको केक बनाने के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए जो भी एक्स वाई जेड मटेरियल बनता है या मिलता है वो आपको इनके पास में हर एक आइटम मिलेगा। और सबसे सस्ते दामों पर इनके पास में आइटम जो स्टार्ट हो जाते हैं मात्र 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जितना मैक्सिमम आपको क्वालिटी चाहिए हो उतने मैक्सिमम तक जाते हैं। मुलाकात कराता हूँ दोबारा से एक बार फिर से मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मैम जरा बताएं, लास्ट ईयर मैंने आपकी 2 साल पहले जो आपकी वीडियो बनाई थी कैसा रिस्पॉन्स आया? उसे 500,000 से ऊपर लोग अभी तक देख चुके हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम का रिस्पांस मुझे बहुत बहुत अच्छा मिला, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था वो रिस्पांस। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और बताएं मैम। हाँ जी, और मैम अपने पास में कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए, हर सब जगह से लोग आए? हाँ जी, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया, कोई कोना ऐसा नहीं था इंडिया का जहाँ से मेरे पास कस्टमर नहीं आए हो। बहुत बढ़िया। और दोस्तों इनके पास में जो आप बाहर से रिटेल के अंदर चीज लेते हैं ना इतनी महंगी महंगी, वो इनके पास में होलसेल दाम पर आप अपने घर बैठे ये कुछ इस तरह के बड़े पीस चाहिए तो सिंगल पीस मिल जाएंगे, और अगर कुछ छोटे पीस चाहिए तो भैया वो तकरीबन मिनिमम एक पीस, मतलब एक सेट जो होता है पूरा का पूरा एक सेट, जैसे कि आप देख पा रहे ये पूरा का पूरा एक सेट भी आपको घर बैठे ये भिजवा देते हैं। सही कह रहा हूँ मैम? ये सिंगल पीस भी मिल जाएगा ये तो। अच्छा, ये सिंगल पीस भी दे देंगे आप? हाँ जी। क्या बात है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे ये एक सिंगल पीस भी दे देंगे, मुझे लगा ये भी आप सेट देंगे। नहीं नहीं, एक सिंगल पीस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और चॉकलेट्स की मैं बात करूं, इनके पास में भैया डिस्काउंटेड चलते रहते हैं, डिस्काउंट के ऊपर आपको चॉकलेट मिलती रहती है। जैसे कि देख पा रहे ये बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है मैम, पता है इनके बारे में कुछ? हाँ जी, ये कंपाउंड है वैनविर ब्रांड का, आपको एमआरपी से काफी कम प्राइस में मिलता है। जैसे कि देख पा रहे और आप सिर्फ एक कंपाउंड खरीद के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बात। अच्छा एक चीज बताएं, जैसे कि एक कंपाउंड किसी ने खरीदा, इससे मतलब मान लो ये 200 रुपए का लिया, 300 रुपए का लिया, इसके अंदर कितने रुपए तक की चॉकलेट बना करके वो मार्केट में सेल कर सकता है? अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड साइज की जो तकरीबन 12 ग्राम का रहता है जी, अगर वो पीस आपको एक 3 से 4 रुपए का घर पे कॉस्ट कर रहा है जी, तो आपको मिनिमम उसे 12 रुपए तक का सेल कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो 3 से 4 रुपए जो आपको बनाने में पड़ा और 12 रुपए से 15 रुपए वो भैया जैसे आप क्वालिटी को पैक करोगे ना, क्वांटिटी को एक बार दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देंगे चॉकलेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया ये आपके घर में बनाई हुई चॉकलेट है, ये इसकी कीमत बनने की पड़ी होगी मेरे ख्याल से 5 रुपए। नहीं, ये थोड़े बड़े साइज की 10 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, ये 10 रुपए की पड़ी। हाँ जी, ये मार्केट में जाके तकरीबन 20-30 रुपए की बिक सकती है आराम से, 50 रुपए की आराम से बिकती है और बॉक्स पैकिंग करके 100 रुपए की मिनिमम बिकती है। भैया ये चॉकलेट घर में पड़ी हमें 10 रुपए की और मार्केट के अंदर जाकर अगर इसकी हमने अच्छी पैकिंग कर दी तो 50 से 100 रुपए तक देके जा सकती है। मतलब इतना मुनाफा आपको किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिलेगा, मतलब 90% मुनाफा इसके अंदर में आपको मिल रहा है हमारे व्यूवर्स को, है मैम?
50% मिल जाएगा, 90% से मैंने बताया 10 रुपए की है तो 100 रुपए की अगर मैक्सिमम जाता है, 10 से 20 रुपए तक की पड़ सकती है और 100 रुपए तक सेल हो सकती है, 50 to 100, मतलब 4-5 गुना प्रॉफिट आपका कहीं भी नहीं गया, 4-5 गुना मतलब समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन वो अगर 10 रुपए की मन करके 100 रुपए में बिकते तो 90% प्रॉफिट हो गया ना, 9 गुना मेरे ख्याल से, हाँ जी 9 गुना हो गया, 90% प्रॉफिट, ये इसके हिसाब से बनाया, मैं कैलकुलेशन लगा लेना आप सब है। बहुत बढ़िया, मैम आगे की तरफ चलते हैं और अपने पास में एक चीज और, इनके पास में आपको मिल जाती है भैया होममेड सोप्स, होममेड सोप बोलते हैं इनको, हाँ जी इससे होममेड सोप बना सकते हैं, ये सोप बेस है जो सिर्फ 100 रुपए से शुरू है, 100 रुपए से शुरू है भैया, आपको अगर चाहिए और क्या बोलते हैं आपने कि स्किन के अंदर किसी के प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, जो बाहर से लेते हैं केमिकल वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भैया वो ले सकते हैं, यूज नहीं कर सूट नहीं करते उनके मार्केट के, गोट मिल्क सोप बेस है, इसे आप यूज करिए, ये बहुत अच्छा है, ये प्योर गोट मिल्क के अंदर में आपको मिल जाएगी इनके पास में सोप। और अब आगे की तरफ में आता है, जैसे कि काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया केक बनाने के अंदर हमें मटेरियल चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इनका हर एक आइटम दिखाया है, आइटम की बात करूं जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो केक के ऊपर में क्या बोलते हैं टॉपिंग्स बोलते हैं इन सब, हाँ, स्प्रिंकलर्स है, स्प्रिंकलर्स इस तरीके से मिल जाएंगे आपको, और ये मात्र कितने रुपए से, 15 रुपए 10 रुपए से अपने पास में क्या होता है, 15 रुपए से स्टार्टिंग है, 15 रुपए से इनके पास में कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है, क्या बोलते हैं इनको मैम, कलर की स्टार्टिंग 15 रुपए से है, एसेंस की स्टार्टिंग 20 रुपीज से है। और जितने भी भाई या बहन हमारी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो इस बार इन्होंने अपनी एक स्टार्टर किट बनाई हुई है जो कि है तकरीबन 775 की है, 775 रुपए की है, जिसके अंदर तकरीबन कितने आइटम है, इसके अंदर में 11 आइटम्स हैं, इसमें 11 चीजें इसके अंदर में मिल जाती है, निकाल सकते हैं एक बार प्लीज, हम थोड़ी सी पास लेकर आएंगे एक बार कैमरे को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 775 रुपए की रेंज के अंदर में 11 आइटम मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये कुछ इस तरह की चीजें आपको रहेगी, ये 2 चॉकलेट आपको रहेगी, ये क्या चीजें मैम इसके अंदर में, इसमें डालने के लिए बटर स्कॉच नट्स और क्रिस्पीज हैं, ओके वो आपको कंपाउंड मिलेंगे डार्क मिल्क, ठीक है, और आपको ये पेपर मिलेगा, मल्टी पेपर है, 300 शीट्स है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, स्टिकर मिलेगा, पाइपिंग बैग्स मिलेंगे, बॉक्सेस मिलेंगे, टोटल 11 आइटम्स आपके इसमें है, और ये कोरियर से जाता है, इस तरह से आपके कोरियर पैक होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर आप बैठे हो तो ये एक सिंगल सेट मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे, हाँ जी, और अपने पास में जैसे कि हमने काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में दिखाई है, कोई भी सिंगल पीस मंगवा सकता है या सिंगल सेट मंगवा सकता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बता सिंगल दे, पीसेस मिल जाते हैं, बट बॉक्स पैकिंग आपको मिनिमम 10 पीस मिलते हैं, बहुत बढ़िया, और दोस्तों इनके पास में बहुत ही प्यारे प्यारे बॉक्सेस मिल जाएंगे, कुछ इस तरह के क्या बोलते हैं इनको हैम्पर बॉक्स है, हैम्पर बॉक्सेस मिल जाएंगे, एक बार कैमरे को उधर की तरफ घुमाएं प्लीज, एक बार जरा पीछे की तरफ में, जैसे कि आप देख पा रहे कितने प्यारे प्यारे बॉक्सेस आपको इनके पास में मिल जाते हैं, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलने वाली है, ऑल ओवर इंडिया की अंदर, इधर की तरफ करें प्लीज कैमरे को, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इनके पास से आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह की चॉकलेट मात्र कितने 2-4 रुपए की पड़ती है एक बनने में, 3-4 रुपए की पड़ती है, 3-4 रुपए की पड़ती है, और मार्केट के अंदर 10 से 15 रुपए तक की आप इसको सेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाकर सेल कर रहे हैं, आप इस वीडियो के अंदर में हम ये सारी चीज दिखाना स्टार्ट करें, हाँ जी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा अगर कुछ भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं केक के अंदर में, चॉकलेट के अंदर में घर से बनाने के लिए, तो इन मैम से आप संपर्क कर सकते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, हाँ जी दीपाली जैन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने चॉकलेट बनाना सोप बनाना सिखाया हुआ है, आप घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्या बात है, मतलब जो कोई भी भैया आप मात्र 500 रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है घर से, तो इस तरह की चॉकलेट बना सकता है, अपने घर से 500 रुपए इन्वेस्ट करके कुछ इस तरह की चॉकलेट अपने घर पे बैठे मंगाए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर दे देंगे, और इनके चैनल के ऊपर जाकर के सीख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनेगी, और बाकी आपके हाथ के ऊपर है कैसी आप बनाते हैं, हाँ, और मार्केट के ऊपर थोड़ी सी आपकी मेहनत है कि किस तरीके से आप सेल करते हैं, डिपेंड करता है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका एरिया कैसा है, बिल्कुल बहुत अच्छा मुनाफा दोस्तों आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, आप देखना स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि आपने सब कुछ समझाया हमारे व्यूवर्स को कोई कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं जिससे कि उनको एक आइडिया हो जाए कि अपने पास से ये लेकर के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, चॉकलेट्स दिखाते हैं हम आपको, ओके दिखा दे सबसे पहले चॉकलेट्स दिखा दे, अच्छा ये जैसे हमने पिछले 3 साल समथिंग हो गए तो कुछ प्राइस फ्लक्चुएशंस भी आए हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा निकाले दिखाए और बताते रहे, बीच में कोरोना टाइम था तो 3 बार कम से कम प्राइस रिवाइज हो चुके हैं, अभी 1 मार्च से फिर से रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, ये कंपाउंड है वैनलिर ब्रांड का, ओके इसमें डार्क मिल्क व्हाइट 3 वेरिएंट आते हैं, ठीक है, इस पे आपको एमआरपी से अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके कितना डिस्काउंट तकरीबन मिल जाएगा इनके ऊपर में, इसमें फिक्स नहीं है फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे 20% 30% प्रेजेंट इसका प्राइस 257 एमआरपी है तो 200 का आपको मिल रहा है, मतलब 50-60 रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट अभी मिल रहा है, हाफ के जी पे, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, ये इम्पोर्टेड कंपाउंड है वैन हुटन का, ओके जो कैलेबो का प्रोडक्ट है जी, ये भी आपको प्योर कवर्चर है, ये भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी,
इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं, डार्क मिल्क, व्हाइट, सेमी स्वीट। कोई एक पैकेट दो पैकेट लेकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल जी, एक पैकेट से भी काम शुरू हो जाता है। अगर आप एक कंपाउंड लेके काम स्टार्ट करते हो तो विद इन 500 आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बात, जिसमें आप कंपाउंड, मोल्ड, एसेंस, रैपिंग पेपर और बॉक्स ले सकते हैं। मतलब अपने घर पे ही चॉकलेट बना करके अगर 500 रुपए का तो 1000 रुपए तक की सेल हो सकती है वो चॉकलेट्स? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारे वेरिएंट आई थिंक मेरे ख्याल से। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे वैनलिन है, वैलुटन है, मोडे है। कितने सारे ये मोडे, मेरे ख्याल से काफी पुराना ब्रांड है मेरे ख्याल से ये। हाँ जी हाँ जी, काफी पुराना और फेमस ब्रांड है। ओके। लेकिन इसमें हमारे पास आपको फ्लेवर्ड कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये पिस्ता कंपाउंड है जी। ऐसे इसमें 5 वेरिएंट्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज और पिस्ता। ये भी आपको मिल जाएगा जो आपको जनरली कहीं नहीं मिलते। डार्क मिल्क व्हाइट तो सब जगह मिल जाता है, मगर फ्लेवर्ड कंपाउंड नहीं मिल पाता। इसका कोको बटर, इसकी प्योर कवर्चा, वो भी आपको मिल जाएंगी। ये कोई भी सारे के सारे देखना चाहता हो, सारे के सारे आइटम कुछ पिछली बार आई थिंक आपकी वेबसाइट थी उसमें भी देख सकता है, आप व्हाट्सएप कर देते हैं? हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए, आपके पास डिजिटल कैटलॉग का लिंक आएगा, chococenter.catalog.2, उस पे आप देख सकते हैं। फुल रेंज है विद प्राइजेस और उस पे आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आगे चले मैम, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, आगे क्या दिखा रहे हैं? जैसे ये देखिए नोजल्स है। ओके। जो हमारी केक आइसिंग में यूज होती है, ये नोजल्स है जो केक बनाने में यूज होती है, वो जो उसके ऊपर में कुछ डेकोरेशन स्टाइलिंग बनाते हैं, क्रीम से जो डिजाइनिंग करते हैं ना उसमें यूज होता है। ये आपका 24 पीस का नोजल सेट है। ओके, 24 पीसेस का नोजल सेट आपको कितने रुपए मिल जाएगा? सिर्फ 300 रुपए में। 300 रुपए की रेंज के अंदर 24 पीस का नोजल सेट मिल जाएगा। और एक की बात की जाए तो तकरीबन कितने रुपए पड़ गई? तकरीबन 12.5 रुपए के अंदाज का पड़ेगा। 12.5 रुपए का मात्र दोस्तों आपको एक पड़ जाएगा। और ये ऊपर की साइड में ये क्या चीजें रखी हुई है, इनके बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स को। ये पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स हैं जो चॉकलेट बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, और ये इनको पीसी मोल्ड्स बोलते हैं। ओके, ये ड्यूरेबल होता है, ओवन में भी रख सकते हैं इनको? मतलब नहीं, चॉकलेट के लिए ओवन में नहीं रखते, फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में रखा जाता है। ओके। लेकिन ये ड्यूरेबल है और इसमें नंबर ऑफ कैविटीज ज्यादा है। ओके। ये गिरने से टूटता नहीं है। बहुत बढ़िया, प्राइस रेंज की बात ज्यादा है, ये अप्रोक्स 300 के करीब आता है, 300 रुपीज दोस्तों। इनके पास में हर तरीके के अंदर में है, जैसे चीपेस्ट भी है, सस्ता भी है, महंगा भी, जो जैसी रिक्वायरमेंट जिसकी हो उस तरीके से इनको आपके पास में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं। पीसी मोल्ड में आपको हमारे पास ये डबल मोल्ड भी मिल जाएंगे। ये इसके अंदर नीचे छेद है क्या? इसके नीचे ऐसा कुछ है? लॉलीपॉप बनाने के काम आता है, डबल मोल्ड होता है, इसके साइड में क्लिप्स गिवन है। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लॉलीपॉप बनाने के लिए मोल्ड मिलेगा आपको इस तरीके से ये। और इसकी प्राइस रेंज रहेगी, काफी हैवी है मेरे ख्याल से, एक्रेलिक के अंदर आएगा मेरे ख्याल से ये। पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीकार्बोनेट। प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी तकरीबन 800 रुपए के करीब है, ये 800 रुपीज के आसपास रहेगी इसकी। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। ये मैग्नेटिक मोल्ड है, मैग्नेटिक मोल्ड मतलब ये फोटो चॉकलेट बनाने में काम आता है। ओके, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स बनानी है, प्रिंटेड चॉकलेट्स बनानी है जी, जी उसमें यूज होता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, इस तरह की कस्टमाइज्ड चॉकलेट जो होती है मार्केट के अंदर जाकर के, मान लो अगर इसके ऊपर एक बनाने की कीमत आती होगी मेरे ख्याल से 50 रुपए, मार्केट में 100 रुपए की बिकती होगी वो आराम से। ये दोस्तों जैसे कि मतलब इसके अंदर डबल का प्रॉफिट आपको मिल जाता है, उसके लिए आपको इन सब चीजों का प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, वो आपको इनके पास में मिल जाएंगे। बहुत सही, आगे की तरफ चलते हैं। बनाने में कॉस्ट कम पड़ती है। ओके, बनाने में और कॉस्ट कम पड़ती है, मतलब कि तकरीबन 10-20 रुपए। हाँ, इसमें आपकी 20-25 रुपए तक आराम से तैयार हो जाएगी, मतलब मात्र 20-25 रुपए। और नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज चॉकलेट के वो और सस्ती पड़ेगी आपको। क्या बात है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया ये वाला है। हाँ, आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। आगे क्या दिखाएंगे आप? ये कलर्स हैं। ओके, कौन से? अभी होली आ रही है उस चीज के। ये कलर आपके केक में डलते हैं, क्रीम में, आइसिंग में और स्पॉन्ज में। ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये केक के अंदर कलर देने का काम करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वालिटी इनके अंदर में आपको हर तरीके की मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कलर इसके ऊपर में छपरा है सब इसी कलर के अंदर में रहते हैं या कुछ अलग कुछ? हाँ जी, जो आप ऊपर देख रहे हो, जो विजिबल है कलर ऊपर, वही अंदर है। ओके, और प्राइसिंग क्या होती है इनकी? ब्लू, पिंक, पर्पल, नियॉन ग्रीन, ग्रीन, क्या बातचीत, बहुत बढ़िया इनकी प्राइसिंग। इनका MRP अप्रोक्स 250 है, जो आपको 200 के करीब मिल रहा है, ये बेकर्स विले ब्रांड का है। Okay. लेकिन कलर मेरे पास 15 रुपए से शुरू हो जाता है, मतलब मात्र 15 रुपए से दोस्तों इनके पास में कलर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये कलर है जो अभी सिर्फ 15 रुपीज का, ये है केक में डालने वाला कलर है। ओके, मात्र 15 रुपए की रेंज के अंदर में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। और जैसे कि जो ये बड़ा वाला कुछ शीशी लेना चाहता हो तो ये कितने तक का पड़ जाता है तकरीबन अपने पास में? ये अप्रोक्स 100 है, हाफ लीटर कलर है, ब्रांडेड। ओके, ब्रांडेड। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ब्रांड नॉन ब्रांड होते हैं? हाँ जी, कुछ सस्ते ब्रांड्स होते हैं, कुछ अच्छे फेमस ब्रांड्स होते हैं, क्वालिटी का फर्क होता है। क्या बात है, अब इससे आगे की तरफ मैं चल पा रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ में क्या चीज रखी हुई है जरा बता देंगे? ये चोको चिप्स है। ओके। जो मिल्क में है, व्हाइट में है, ये सब केक में डालने के काम आती है या फिर चॉकलेट में डालने के काम आती है? ये दोनों में काम आता है। ये दोनों में काम आते हैं ये? ओके, जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने देखा ये केक के ऊपर में काफी सारों के ऊपर में रखी रहती है, ये कुछ इस तरीके काफी टेस्टी होते हैं दोस्तों। ये आपको इनके पास में रेडीमेड मिल जाएगी
और इनके पास से जैसे कि ये क्या चीज बोलते हैं इसको, ये टूटी फ्रूटी है और ये सारे सन ड्राइड डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं जिसके फुल रेंज आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं केक के ऊपर में क्या होता है वो लगा के रखते हैं, एक चेरी से लगा के रखते हैं, उस टाइप का ये। हाँ, कुछ वैसा ही है। आजकल ये सन ड्राइड फ्रूट्स बहुत चल रहे हैं। इसमें सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, और इसके छोटे पैक भी मिल जाएंगे आपको 100 ग्राम के और किलो के पैक भी मिल जाएंगे। ओके, इनकी प्राइसिंग क्या रहेगी मैम? तकरीबन 100-100 ग्राम के पैक की 100-100 ग्राम आपको तकरीबन 100 रुपए का पड़ता है और केजी में आपको होलसेल रेट्स मिल जाएंगे। केजी के अंदर में होलसेल रेट मिल जाते हैं। और जैसे कि ये क्या बोलते हैं इनको, क्रंचीज बोलते हैं कुछ? हाँ जी, क्रिस्पी होती है जो चॉकलेट में यूज होती है। ओके, प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी, इसका आपको छोटा पैक भी मिल जाएगा आपको 250 ग्राम का और केजी भी मिल जाएगा जो छोटा पैक है अप्रॉक्स 90। मतलब दोस्तों अगर आप इनके पास से किलो के हिसाब से लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, होलसेल के दामों में मिल जाएगा और घर बैठे मिल जाएंगे। बेक स्टेबल चिप्स, मतलब मैम बताएं कुछ इसके बारे में। जब हम इसको केक में डाल के बेक करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते। ओके, जैसे हम मफिन बनाते हैं, कपकेक बनाते हैं, तो ये मेल्ट नहीं करेगा। ये वैन हुटन के इम्पोर्टेड चिप्स है जो डार्क में और व्हाइट में है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों जैसे कि अभी मैंने ये आपको इतना सारा मटेरियल दिखाया है इनके पास में, ये बड़े पैकेट भी हैं, छोटे पैकेट भी हैं, साथ ही साथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 10-10, 15-15 रुपए की रेंज से कलर्स है सारे के सारे इसके। ये हाँ जी, ये सारे के सारे कलर्स इनके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। और इनके पास में आप आ जाते हैं भैया, ये बनाने का सामान, मतलब बनाने का ये तो ले लिया, अब उसको यूज किस तरीके से करेंगे, उस तरीके की चीजें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चॉकलेट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? चॉकलेट मोल्ड्स हैं। ओके, ये भी मेरे पास आपको ब्रांडेड मिलेंगे, फूड ग्रेड है ये। फूड ग्रेड मतलब कि जो खाने के लिए सेफ है। ओके, मतलब उसके अपना वो नहीं छोड़ते इसके अंदर में, क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे प्लास्टिक है जी जी, जो सस्ती प्लास्टिक होती है, मोल्ड आने को मार्केट में 15 रुपए से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उनकी प्लास्टिक की क्वालिटी फूड ग्रेड नहीं होती, वो थोड़ी पॉइजनस हो सकते हैं। प्लास्टिक सब तरह की क्वालिटी के आते हैं, मतलब जो लोग वो सस्ते वाला कहीं इस्तेमाल कर रहे थे तो उसके अंदर में जो इसका जो मटेरियल होता है वो चॉकलेट के अंदर मिक्स हो जाता है, यही कहना चाहते हैं आप? चॉकलेट के अंदर मिक्स नहीं, जैसे गरम कुछ होता तो कुछ उसके कहते हैं प्लास्टिक के चाय में चाय नहीं पीनी चाहिए, कप में चाय नहीं पीनी चाहिए, तो ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। ओके, और चॉकलेट बनाते हुए टेम्परेचर इतना हाई भी नहीं होता। ओके, लेकिन ये फूड ग्रेड है, सेफ है, ये बेस्ट क्वालिटी है। बहुत बढ़िया। प्राइस रेंज कितने रुपए से स्टार्ट जाते हैं अपने पास में? 60 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, 60 रुपए से मात्र दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे कि साइजेस मैं देख पा रहा हूँ, कुछ काफी बड़े हैं, कुछ काफी छोटे हैं, ये दिल वाले इसके हिसाब से रहती है कुछ 550-600 डिजाइन आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। इसकी वास्ट कलेक्शन है, इतनी डिजाइनिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 550-600, चल दो चार आप भी पकड़े एक बार अपने अपने हाथ में, अलग अलग डिजाइन क्वालिटी निकाल करके दिखाए हमारे व्यूवर्स को। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ सैंपलिंग है अपने पास में अभी। हाँ जी, स्टॉक मेरे ख्याल से अंदर इस चीज का भी और रखा हुआ, अलग से रखा है। ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये बड़ी ABCD, छोटी ABCD, ये ऊपर की तरफ में ये केक और क्या बोलते हैं ये जो कैंडी टाइप के होते हैं, ये इस तरीके के जो चॉकलेट जो रैप के अंदर में भर के देते हैं, वो इसी तरीके में भर के देते हैं आई थिंक में भी। हाँ जी, जैसे आप शेप यूज करना चाहिए, जैसे के बच्चों के लिए हो गया, ये मोदक शेप हो गया, ये नॉर्मल स्क्वायर शेप हो गया, हर तरीके का इनके पास में। हाँ, बहुत सही। अब इसे आगे की तरफ चलते हैं, आगे दिखाएं मैं हमारे व्यूअर्स को कुछ, जैसे बेली आगे स्टिलेटो आजकल फैशन में, केक के ऊपर भी लगा देते हैं ऐसे आजकल। जी 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 जी, ऐसे बहुत वैरायटी मिलेगी जो सारे डिजाइनिंग आप हमारे कैटलॉग पे चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जैसे कि आपने अपने हाथ में बड़ी छोटी छोटी चॉकलेट पकड़ी हुई है, ये काफी प्यारी लग रही है, इसके बारे में कुछ बताएं आप हमारे व्यूवर्स को, क्या चीज दिखाएंगे इसके साथ में रिलेटेड में आप? हाँ जी, ये रैपर्स हैं। ओके, जो आप देख सकते हैं ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह के रैपर है जो इन चॉकलेट्स के ऊपर में चढ़े हुए हैं। हाँ जी, ये ना कट साइज है जिससे ये इस साइज की एक चॉकलेट इजीली इसमें पैक हो जाती है। ओके, हाँ जी, आपको काटना नहीं पड़ता। बहुत, और इसमें आप ज्यादा वैरायटी मेंटेन कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा डिजाइन खरीद सकते हो अलग अलग। कितने रुपए से शुरू जाते हैं अपने पास में रैपर्स? ये 80 रुपीज से स्टार्टिंग है। ये 80 रुपीज के अंदर में तकरीबन कितने पीसेज होंगे इसके अंदर में? 80 वाले में 200 पीसेज आएंगे, 80 रुपए की रेंज के अंदर 200 पीसेज आएंगे, जिसको आप अपनी चॉकलेट जो भी है मैंने आपको स्टफ दिखाया उससे आप बना करके इसके अंदर रैप करेंगे। हाँ जी, और हमारे आप पास पर मल्टी कलर ऑप्शन भी हैं। ओके, इसमें 300 शीट है और ये 100 रुपीज का है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अनलिमिटेड है, मतलब ये तो भैया इसके तो कलर्स एक बार नीचे से उठाइए क्या प्लीज, वो जो नीचे की तरफ रखे हुए थोड़े बड़े टाइप के लग रहे हैं, ये क्या चीज में आएंगे? ये भी सेम ही है, ये पोटली पेपर है। पोटली पेपर बोले तो मैम इसको ट्विस्टर से बांधते हैं, ये टॉफी लाइक पैकिंग होती है। ओके, ट्विस्टर से मतलब वो गिफ्टिंग पर्पस में मेरे ख्याल से पिछली बार लास्ट टाइम हमने दिखाया था। डिजाइनिंग इसके कलर्स डिजाइनिंग बहुत है, पेपर में भी बहुत क्वालिटी आती है। बहुत आपको हमारे पास एम्बॉस पेपर भी मिल जाएगा। ओके, जो उठा हुआ होता है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी पेपर क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। बहुत बढ़िया, मतलब दोस्तों जितनी भी आपकी पैकिंग अच्छी होगी ना चॉकलेट उतनी ज्यादा देखने में आपको अच्छी लगेगी, गिफ्टिंग पर्पस से दे सकते हैं। और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह कॉन्स के अंदर में चॉकलेट भर के भी देते हैं। ये पेपर कप्स है जो चॉकलेट के नीचे लगते हैं, उसके ऊपर पैक भी करते हैं ना मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा भी कुछ भी होता है इसके अंदर में?
वो बॉक्सेस अलग हैं, ये चॉकलेट के नीचे रखी जाती हैं कटोरियां। ओके, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी बहुत वैरायटी आपको स्क्वायर में, राउंड में, डिफरेंट कलर्स में। ये तकरीबन कितने रुपए की होती है मैम, इसके बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स को प्लीज। ये 150 रुपए से स्टार्टिंग है हमारे पास। ओके, ये 150 रुपए से स्टार्ट होगी, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत जो फेरो रोशर के नीचे लगते हैं एग्जैक्टली वही है। और गोल्डन लाइनिंग भी इसकी बहुत अच्छी, प्रोमिनेंट कलर है इसमें गोल्डन में, बहुत बढ़िया। और ये ओनली कितने रुपए बताया आपने, 80 रुपीस? नहीं नहीं, 150 से स्टार्टिंग था, ये वाला 250 का है। ओके, ये सबके प्राइसिंग अलग अलग है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके पास में छोटा भी है बड़ा भी है, वो जब भी आप इनके पास में आएंगे आप इनसे प्राइस डिस्कस कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे। अब आगे की तरफ में क्या दिखा रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को, ये क्या चीज है अपने पास में बोल दे? ये हमारे पास पाइपिंग बैग है, हमारे पास पाइपिंग बैग है। ओके, ये पाइपिंग बैग, ये चॉकलेट को उसमें फिल करने के काम आते हैं, ये पाइपिंग मोल्ड में फिल करने के काम आते हैं। चॉकलेट और केक दोनों में यूज होता है, जब आप केक की डिजाइनिंग करते हो तो आप इसमें क्रीम फिल करते हो। ओके, और चॉकलेट बनाते वक्त आप चॉकलेट फिल करके वो जो भर के डालते हैं, सही है, तो उससे बहुत ज्यादा सफाई से डलती है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो इस चीज का काम करते हैं, जो हमारे भाई काम करते हैं, वो अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे दोस्तों, इनके पास में हर एक उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, इसमें तीन साइज मिल जाएंगे आपको, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। स्मॉल तकरीबन कितने रुपए का आता है अपना? ये आपका 125 रुपए का है, 100 पीसेस होंगे इसमें, 125 और 100 पीसेस रहेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। जी मैम, अब क्या दिखा रहे हैं? अब ये हमारे पास है स्क्रैपर। ओके, जिससे हम चॉकलेट के ऊपर मोल्ड में जब भरते हैं तो उसको ऊपर से क्लीन करने का काम आ जाता है, ये मोल्ड को क्लीन करने के काम आता है। ओके, इस तरह के आपको काफी वैरायटी मिल जाएगी, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, इसमें डिफरेंट वैरायटी आती है, बहुत बढ़िया, अलग अलग वैरायटीज है इसके अंदर में। हाँ जी, जैसे 4 पीस का सेट है स्क्रैपर और कॉम का, ये केक पे यूज होता है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं। हाँ जी, ये आपके केक के टॉपर्स हैं, एक्रेलिक टॉपर्स होते हैं जी, ये बहुत, ये बड़े और छोटे हमारे पास दोनों साइज में मिल जाएंगे आपको, डिफरेंट वैरायटी में है। ओके, ये स्टार्टिंग कितने से जाते हैं तकरीबन? स्मॉल जो है आपके 25 से स्टार्ट हो जाता है और ये 50 रुपीस के हैं, इस पे बहुत थीम है। मार्केट के अंदर शॉप वाले तकरीबन यही 100 रुपीस का देते हैं, 100 रुपए का। हाँ जी बिल्कुल, ये इनके पास से ले सकते हैं आप। आगे की तरफ में ये वाले, ये भी केक टॉपर है, ये 100 पीस की पैकिंग है जो आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, प्लास्टिक में है ये, 100 पीस तकरीबन कितने, बहुत सस्ते पड़ जाते हैं ये। हाँ जी, काफी इकोनॉमिकल रेट में आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। ये नाइफ सेट है, ये 100 पीस का नाइफ सेट है और सिर्फ 100 रुपए के हैं, क्या बात है। और ये प्लास्टिक वाले हैं, बहुत सही। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को दोस्तों, ये सब वो आइटम है जो आपका इन चीजों के अंदर में यूज होने वाला है। ये सिलिकॉन ब्रश है जो हमारा केक में काम आता है ग्रीसिंग के लिए, ओके, ताकि पैन को ग्रीस करते हैं जिससे कि केक चिपके ना। दुकानदार मक्खन बहुत लगाते हैं इससे, मैंने देखा मेरे ख्याल से, है ना। और ये स्पैचुला है, ओके, ये फुल सिलिकॉन स्पैचुला है, ये टूटता नहीं है क्योंकि वन पीस में है। ओके, ये हमारे केक में, चॉकलेट्स में काफी यूज होता है, इसमें स्मॉल साइज, लार्ज साइज, स्टील हैंडल, प्लास्टिक हैंडल, सब वैरायटी आपको मिल जाएगी, तो प्राइजेस आपके वेरी करते हैं अकॉर्डिंगली। ये नीचे में चॉकलेट में चक्कू काटा जाता है, वो चक्कू से चॉकलेट काटी जाती है कुछ इस तरीके से। ये केक आइसिंग के लिए है, ये आपका ब्रेड नाइफ है जिससे स्पॉन्ज को काटते हैं। ओके, बहुत बड़ा है तो। इसमें डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाएंगे, ब्रांडेड, लोकल, सब मिल जाएगा। ओके, ये पैलेट नाइफ है जिससे केक पे क्रीम लगाई जाती है। ओके, ये बेंट नाइफ है, ये भी क्रीम लगाने के काम आता है। मतलब चक्कू, कितने तरीके के चक्कू होंगे मैम अपने पास में? बहुत तरह के हैं, तकरीबन 30 वैरायटी नहीं, 5-6 तरह के तो हैं और साइजेस बहुत, तो सारे मिला के आप 20 तरह के कह सकते हो। बहुत बढ़िया, नीचे कुछ काफी बड़ा सामान रखा हुआ है क्या? हाँ जी, ये ब्रेड टिन है जो आजकल घर में लोग ब्रेड बनाते हैं ना, होममेड ब्रेड, होममेड। अच्छा, मतलब ये भी अपने पास में प्रोडक्ट मिल जाते हैं? हाँ जी, इसमें भी साइजेस आते हैं, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम, आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे की देख पा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट इनके पास में हर एक आपको मिल जाएगा। ये है ट्रैवल केक बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसके अंदर ना रॉड होती है, बेसिकली जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग आइसिंग केक कैरी नहीं कर पाते जी। तो इसमें आपका ड्राई केक बनेगा बट बीच में से ये हॉलो हो जाएगा जिसमें आप कोई स्टफिंग भर सकते हो, जैसे कोई ट्रफल पेस्ट या कोई फिलिंग, तो ये इसका नाम ट्रैवल केक है, ट्रैवल मोल्ड है, ट्रैवल केक मोल्ड। ये वाले हैं हमारे पास चॉकलेट के सिलिकॉन के मोल्ड। ओके, इसके अंदर आपको हमारे पास 12 या 13 डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है, कम से कम, हार्ट शेप में, लीव शेप में, स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में। ये स्टार्टिंग तकरीबन कितने पैसे जाती है? 70 रुपए से स्टार्ट है, ये मात्र 70 रुपए से शुरू होने वाले। और ये क्या चीज है? ये पॉप अप आजकल चल रहा है, वो है बबल मोल्ड है। ओके, ये केक्सिकल मोल्ड है, ये आइसक्रीम के लिए, ये भी चॉकलेट के लिए। हाँ जी,
बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। ये ऊपर पाउडर कुछ रखा हुआ है, कुछ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दें। ये पिनाटा मोल्ड है आजकल जो बहुत चल रहे हैं। ओके, आठ या नौ कलर मिल जाएगी हमारे पास। ओके, ये डेकोरेशन के काम आती है अभी? हाँ जी, ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, डेकोरेशन करने का काम आती है। ओके, ये मैंने देखे कई लोग गिफ्टिंग पर्पस के अंदर जब डालते हैं तो बहुत सारे लोग देते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि आपने मुझे एक कुछ पकड़ा है, ये इसके बारे में बताया प्लीज। हाँ जी, ये लेस मैट है। ओके, इस पे केक की लेस बनाई जाती है जो जनरली फॉन्डेंट केक्स में यूज होती है। ओके, ये क्या मतलब डिजाइन जो उसके ऊपर में दिया जाता है बहुत सुंदर सा है। हाँ जी। ओके, ये क्या चीज लग रहा है? मैट है जिसपे फॉन्डेंट रोल होता है और ये सिर्फ 250 रुपए का है। ओके, ये बेलन से वो कुछ क्या बोलते हैं? हाँ जी, रोटी की तरह बेलते हैं फोंडेंट को, जैसे हमारे चकले पे लपेटते हैं। हाँ, वो करते हैं, वो इसके इसके ऊपर करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ये सिल पैट है। ओके, ये बेकेबल होता है, ये आप अवन के अंदर रख सकते हो। ओके, ये जलता नहीं है? नहीं नहीं, 100-200 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका मटेरियल मतलब काफी अच्छा मटेरियल है। हाँ जी, ये है सिलिकॉन में, बेक स्टेबल है ये वाला। बहुत सही। और अपने पास में दोस्तों ये इसके जैसे इनके पास में काफी सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम तो हम निकाल भी नहीं सके अभी तक। ये मैक्रून मैट है। कौन सा मैट बोलते हैं मैम इसको? मैक्रून। मैक्रून मींस मैक्रून बनते हैं आजकल केक जैसा होता है। ओके, वो बनते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे से होते हैं, बर्गर जैसा सा दिखता है बट मीठे होते हैं, केक की आइटम होती है। क्या बात है। और ये कुछ इस तरह का, ये अपने पास में इसके जैसे और भी मिल जाते, साइजेस मिल जाते सारे सभी तरह के। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ क्या निकाला सर आपने? ये केक डबल है। केक डबल मींस प्लास्टिक के होते हैं, केक के अंदर लगते हैं हाइट देने के लिए। ओके, वो जो दो मंजिल तीन मंजिल का केक होता है उनके बीच में, ताकि आपका केक इंटैक्ट रहे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये सब मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि भैया मैं आपको बता सकूं इनके पास में ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज मिल रही है आपके घर के अंदर, चाहे आप केक बनाना चाहते हो, चाहे आप चॉकलेट बनाना चाहते हो, उसके अंदर एक छोटी से छोटी चीज भी अगर यूज होगी तो वो आपके पास अवेलेबल है 100%। क्या बात है। अब ये दिखाना चाहूंगी। ओके, ये थ्री पीस नाइफ सेट है। ओके, ये केक में यूज होता है आइसिंग के लिए। ठीक, ये ऊपर प्लंजर्स है अल्फाबेट के। कोई हमारे जैसा नॉर्मल आदमी देखेगा ये वाले चक्कू खराब है, बेंट हो गई है। आगे की तरफ चलते हैं। ये अल्फाबेट प्लंजर्स हैं, दूसरे प्लंजर्स हैं, ये सब केक में फॉन्डेंट केक में यूज होते हैं डिजाइनिंग देने के लिए। हाँ, नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर कटर है। बहुत, ये सिलिकॉन ब्रश है। इधर ये नोजल्स हैं जो आपको काफी इकोनॉमिकल रेट में मिल रही हैं। जी, ये 6 पीस का नोजल सेट आपको हमारे यहाँ सिर्फ 90 रुपए का मिल रहा है। 90 रुपीज की रेंज में एक नोजल 15 रुपए की पड़ रही है सिर्फ। क्या बात है। तो वो जो पूरा बड़े वाला लेते हैं वो तकरीबन 12 रुपए समथिंग का कुछ पड़ रहा है। हाँ जी, वो बड़ा पैक हो गया तो थोड़ा सा और इकोनॉमिकल हो गया। बहुत बढ़िया। ऐसे 12 पीस में भी है, रशियन नोजल्स भी है, बलून नोजल भी है, नोजल की वेरायटी आपको बहुत मिल जाएगी हमारे यहाँ। ये स्पैचुला जैसे भी हमने यहाँ से आपको दिखाए थे बहुत सारे, ये कुछ इस तरीके से, ये क्या बोलते हैं इनको, स्पैचुला ही बोलते हैं। इन सबको ये इसी का वेरिएंट है, ये वाला ब्रश है, वो स्पैचुला है। ओके, ये वाला ब्रश। हाँ जी, ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं सस्ते भी हैं और अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर में चाहिए तो वैसे भी मिल जाते हैं। हाँ जी, और ये ट्रे है। ओके, ये क्या सर्विंग के लिए है कुछ? ये नहीं नहीं, ये गिफ्ट ट्रे है। ओके, ये गिफ्ट ट्रे है जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रही है। इसमें आप चॉकलेट, केक, डेजर्ट कुछ भी बना के प्लेस कर सकते हो, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हो, और इस ट्रे के अंदर आप चॉकलेट और सजा के रख सकते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। और इनके पास में दोस्तों ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये एक बार इस रूम में चले गए आपके, क्या रूम है ये? ये तो इस रूम के, ये स्टॉक रूम है भी आपका मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे कप जो आपने भी मुझे बाहर दिखाए थे चॉकलेट रखने के लिए। हाँ जी, मफिन लाइनर्स है, इसमें केक बनते हैं। केक बनते हैं भैया इनके अंदर, इधर आप देख सकते हो। जी, ये सबके, ये सबका सेम ही वर्क है इन सबके अंदर में। हाँ जी, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट साइजेस हैं। ओके, और ये यहाँ की तरफ में इधर भी देख सकते हो आप। ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ की तरफ में मिल जाता है, काफी सारे हैं ये। और इनकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन कितने रुपए से जाती है? ये आपके 100 पीस 150 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 100 पीस ओनली 150 रुपीज की, मतलब 75 समथिंग 50 वैसे रुपीज में, 75 to 50। आप उसी में बेक करो और उसी में सर्व कर दो। ये क्या चीज है अपने पास में? ये पीलर है। ओके, ये किस चीज को छीलते हैं जी? ये आप आलू है, जैसे कैरेट है। ओके, इन सब में काम आता है। क्या बात है, यूनिक आइटम है ये टाइप। जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ, ये आपका क्या बोलते हैं इस वाले सेक्शन को आप अपने? हमारे बेसिकली स्टॉक ही रखे हैं, सारा गोडाउन सेक्शन ही है। ओके, ये केक बेसिस है। ओके, जो आपको डिफरेंट वैरायटी में मिल जाएगा। ये सारे के सारे केक बेसिस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोल्डन में है, सिल्वर में है, और ये आपका फूड ग्रेड है। ये इटालियन बेस है, मार्क भी है, और ये लैमिनेटेड है, पीछे से भी लैमिनेटेड है। ओके, और स्कैलप्ड एजेस है। बहुत बढ़िया। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये क्या टोकरी सामान रखने के लिए। हाँ जी, जैसे कस्टमर्स आते हैं ज्यादा, ऑर्डर्स होते हैं, निकालने के काम आता है। ये बड़े पीसेस हैं जो अभी आपने छोटे बड़े साइज में है ये। ओके, और ये जैसे कि स्टॉक देख पा रहे हैं, ये भी हमने आपको कलर्स दिखाए थे। यहाँ की तरफ में ये क्या चीजें रखी हुई है इनके बारे में बता दें प्लीज? बॉक्सेस वगैरह है, ये बॉक्स है ये? हाँ जी। अच्छा, ये पूरा पैक हो जाता है, मतलब बन जाता है पूरा का पूरा फोल्ड करके? क्या बात है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों मैं बॉक्सेस सारे अभी आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो आपको देखनी है। अब ये क्या चीज आ गई है? ये चॉकलेट पे लगता है फ्लेवर के लिए, कि फ्लेवर डिस्टिंग्विश हो सके।
जैसे आप इसमें देख सकते हो। ओके, ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से स्टिकर लगा हुआ है, मतलब कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए इनके पास में बहुत सारे आप मिल जाते हैं ये स्टिकर, फ्लेवर डिस्टिंग्विश हो सके कि पता चले कि हमारी कौन सा चॉकलेट डाली गई है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या चीजें रखी हुई है? ये चॉकलेट रैप करने के लिए पेपर है बड़े साइज के। ओके, बड़े साइज के अंदर में बार वगैरह पैक करनी है तो उसको बीच में हाफ करके काट लो। ओके, पैक करने में काम आता है ये। बहुत बढ़िया। एक चॉकलेट आपने दिखाई थी, वो मेरे ख्याल से चॉकलेट मैं दिखा भी दूंगा दोस्तों बाद में आपको। आपको 12-15 तरह के कलर मिल जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अंदर की तरफ चलें एक बार। प्लेन में भी हैं, प्रिंटेड में भी हैं, एम्बॉस में भी हैं। अच्छा जी, उठे हुए वाले बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। आइए अंदर की तरफ में। ये क्या चीज रखी हुई है इसके अंदर में? ये चॉकलेट, चॉकलेट के बॉक्सेस अभी है जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अगर कोई आपसे ये पूरा 10 किलो का एक पैक मंगाना चाहे तो क्या वो भी भेज देंगे आप? हाँ जी। क्या कॉस्टिंग तकरीबन रहेगी उसके अंदर? डिस्काउंट रहता है हमारे व्यूवर्स के लिए? हाँ जी, जैसे ये आपकी पेटी का प्राइस तकरीबन 5200-5400 रुपए है जी, ये 3700 के करीब आपको पड़ रही है। ओके, 3700 रुपए की दोस्तों आपको ये पड़ेगी। और वैसे मैं बता रही कि 5200-5300 समथिंग का इसका प्राइस बैठता है। हाँ, अब यहाँ की तरफ में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये क्या चीजें रखी हुई है अपने पास में? ये खाने के या सजाने के? ये केक पे सजाते हैं स्प्रिंकलर्स, ये उनके स्टॉक पड़े हैं। तो ये खाने वाले भी है ये? हाँ जी, ये खा सकते हैं आप। ये जो पर्ल्स हैं ये एडिबल पर्ल्स हैं। क्या बात है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये एक एक पैकेट की कीमत तकरीबन क्या रहती है अपने पास में? 50 रुपीज से स्टार्टिंग प्राइस, मात्र 50 रुपए से दोस्तों ये स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये सब खाने वाले आइटम है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वैरायटी मिल जाएगी आपको जो आप कैटलॉग पे चेक कर सकते हो जी। ये सब पेपर का, ये सब मैंने आपको बाहर दिखाया था, ये सब स्टॉक रखा हुआ है इनके पास में। ये क्या चीज है अपने पास में? चॉकलेट रैप करने के लिए, ये बर्बरी प्रिंट में है। बहुत बढ़िया। और ये सारे के सारे बॉक्सेस है, सारे के सारे ये है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कुछ इस तरह के भी दोस्तों रेडीमेड बॉक्सेस भी देते हैं आप क्या कुछ? हाँ जी। पकड़े एक बार प्लीज, इसको खोल करके दिखाएं, कुछ बताएं इसके बारे में। कितने रुपए तक समथिंग के ये स्टार्ट होते हैं अपने पास में? अप्रोक्स 120, 120 रुपए से। हाँ, ये कुछ रेडीमेड अपने पास में है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चले, आप क्या दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हम आपको दिखा रहे हैं इस रूम में आके, आपको स्टिकर दिखा रहे हैं आपको। ओके, ये भैया स्टिकर्स का स्टॉक है जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, चॉकलेट के बार वगैरह पे लगाने के लिए। ओके, ये जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे है। ओके, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर। और प्राइसिंग इनकी स्टार्टिंग हो जाती है तकरीबन मेरे ख्याल से 50 रुपए की शीट पड़ेगी आपको एक। ये ओनली 50 रुपीज की एक शीट पड़ने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 स्टिकर है, 50-50 स्टिकर्स रहने वाले इसके अंदर में। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। ये स्टिकर्स है ना, सबकी डाई कटिंग और कटिंग हुई हुई है। ओके, आपको काटना नहीं पड़ेगा किसी को, बस निकालो और चिपका दो। हाँ जी, ऐसा दिवाली थीम पे भी है, क्रैकर्स पे है कि आपको सारे मिल जाएंगे, और हर थीम पे बर्थडे पे एनिवर्सरी पे सब मिल जाएंगे आपको। ये यहाँ की तरफ मैं देख पा रहा हूँ कुछ बड़े वाले क्या चीज है, ये स्टिकर्स है, ये भी कुछ बड़े क्या क्या चीज है, ये क्या चीज है? ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस की वैरायटी है। क्या बात है, ये कुछ बॉक्सेस कुछ अलग, मेरे ख्याल से बोतल टाइप के अंदर बॉक्स है ये, आई थिंक ना, एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स है। क्या बात, हार्ट विंडो के साथ है दोस्तों। ये सभी बॉक्सेस में आपको पूरे बने हुए भी दिखाऊंगा, इनके बाहर की तरफ में पूरा सेक्शन इन्होंने बनाया नहीं सब बॉक्सेस का। आगे चलते हैं, आगे बताएं। हाँ जी, ये बड़े पेपर की ही वैरायटी है अगेन। ओके, जो आपने बाहर देखा था उसी का कुछ स्टॉक यहाँ भी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सारा सारा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रहने वाला है। ये कुछ इस तरह की प्लेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये प्लेट्स है, इनमें भी कुछ बनता है केक बनाने के लिए। ओके, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब के सब दोस्तों इस तरीके का आइटम है। ये कुछ डॉल्स ये सजाने के लिए अपने पास में ये हाँ जी, जो केक पे लगती है वो डॉल्स है, बच्चों के लिए जो केक बनाते हैं वो भी है, ये उस तरह की डॉल्स आपको मिल जाएगी। बताए सर, आप बताए। ये 5 चोको हार्ट है। ओके, और इसके साथ आपको ऐसा एक बॉक्स और मिल जाएगा, ये 5 लिप्स वाला बॉक्स है। ओके, 5 लिप्स मतलब इसमें अलग अलग शेप्स है अपने पास में। हाँ जी, ये छोटे वाला है मिनी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसकी पैकिंग है इसकी, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, इनके पास में सिर्फ आपको होलसेल में, ये सिर्फ होलसेल में देंगे या रिटेल में भी दे देंगे? सिंगल पीस कोई लेना चाहे तो वो भी दे देंगे क्या? मिनिमम 1 पैकेट मिलता है, 10 पीस का होता है। मिनिमम 1 पैकेट दे देंगे घर बैठे? हाँ जी, सिंगल पीस नहीं मिलेगा, पैकिंग में आपको एक पैकेट मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसमें कि 10 पीस रहते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ कुछ वैरायटी दिखा दोस्तों मैं आपको एक बार बाहर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक देखने को मिलेगा, आइटम अनलिमिटेड है, इतनी सारी क्वालिटी इतनी सारी वैरायटी आपको इनके पास एक ही जगह पे मिल जाती है। क्या दिखा रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को? ये फ्रूट क्रशेस है जो आप देख सकते हो, काफी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है हमारे पास। बहुत बढ़िया, 750 ml 1 लीटर में अवेलेबल है। okay. और इसकी छोटी पैकिंग 250 ग्राम में भी आपको मिल जाएगी। यूज आता है इनके बारे में बता दे एक बार हमारे। ये ज्यादातर केक्स में यूज होता है, केक्स में, मिल्क शेक में, आइसक्रीम में, मल्टीपर्पज है। मुझे लगा सिर्फ ये ड्रिंक्स है ले जाकर के खाली पीने की। और ये फिलिंग्स है कुछ, कैरमल पेस्ट, हेजलनट पेस्ट, ग्लेजेस, ये फ्रूट फिलिंग्स है जी जो केक में यूज होती है, जो हमारे चीज केक वगैरह बनते हैं उसमें यूज होता है। इसका स्मॉल पैक भी आता है 250-200 ग्राम का। ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही सही, ये फॉन्डेंट है जिससे आज जो आजकल बहुत इन है थीम केक, इसमें बनते हैं। ये कुछ इस तरह बकेट टाइप के अंदर में। हाँ जी, ये बकेट में 1 kg होता है। ओके, और इसके अंदर छोटे छोटे 4 पैक है, 250 ग्राम का एक है। ये क्या, ये मतलब कैसे, क्या आपको दिखाते हमारे प्लीज व्यूवर्स को?
ये तो मुझे कुछ बार टाइप का सा लग रहा है इसके अंदर में, ईट टाइप का। खोल देंगे क्या प्लीज कोई सा भी एक? हाँ जी अभी दिखा रहे हैं आपको जी। इसमें से आपको लूज वन पैक भी दे देंगे। ये यूज कैसे करेंगे एक बार ये तो बताएं हमारे व्यूअर्स को प्लीज, क्या चाहिए? ये दो फॉर्म है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना ऐसे हम इसे बना सकते हैं। ये मतलब जैसे कि आप देखो चिकनी मिट्टी टाइप होते हैं उस तरीके का, इसे बेलना पड़ेगा, इसे बनेगा ये पूरा का पूरा। ये व्हाइट कलर का है, अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है तो जेल कलर हम ऐड कर सकते हैं और हम इसे किसी भी तरह से बना कलर के अंदर में इसको दे सकते हैं। स्पेशल सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं उसमें डाल के हम शेप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे सपोज हमें बेबी बनाना है तो सिलिकॉन मोल्ड में हमने बेबी शेप में डाला तो वो मिल जाएगा। क्या बात है, ऐसे आपको सिंगल पैक भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इनके पास फोंडेंट है, सिंगल पीस के अंदर में भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब फोंडेंट है जिससे ये सारी चीजें बनाई जाती है। ये आपके टिन्स हैं। ये क्या घी का पीपा है कुछ, क्या ये बता इसके बारे में? ये केक में डलता है, ये फ्रूट टिन्स हैं, सिरप में होते हैं ये केक के अंदर यूज होते हैं। इसमें भी आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ दिखाते हैं प्लीज हमारे व्यूअर्स को। हां जी ये मैं आपको दिखाती हूं, जैसे बार मोल्ड होता है जी इस तरह से, ये गिफ्टिंग पर्पस में जो काम आते हैं ये। ओके गिफ्ट बॉक्स है, जैसे दिवाली बुक है जी जी, इसमें बार फिट आती है। इसमें इस तरह से अलग अलग थीम पे आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। आप कुछ ऊपर देख सकते हो, ये कम से कम 9-10 डिजाइन में 9-10 थीम पे आते हैं। ओके जिसमें होली है, लव है, वैलेंटाइन है, क्रिसमस, न्यू ईयर, बेबी शावर, हैप्पी बर्थडे, ये सब आपको मिल जाएंगे। जैसे ये आपकी सिंगल वाली थी, ये मेरे ख्याल से डबल और ट्रिपल वाली में भी हो सकती है, जिसमें एक में दो चॉकलेट आ जाए। एक में एक ही आएगी मगर अलग अलग थीम पे आपको मिल जाएगी। ओके, ये साइज आएगा चॉकलेट का और ये स्टिकर है, ये भी आपको हमारे यहाँ मिल जाते हैं। ओके आगे की तरफ चलते हैं, हम आगे क्या दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी ये देखिए, ये बटरस्कॉच नट्स है, कोको पाउडर है। ओके ये कुछ इस तरीके से कंपनी का है, ये फेरो रोशर शेल्स है, जो लोग घर पे फेरो रोशर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसकी। ठीक है और ये स्मॉल क्रशेस है। ओके ये कुछ इस तरीके जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप। हाँ जी ये केक के प्रीमिक्सेस हैं। ये एग फ्री कॉन्सेंट्रेट है, जो मतलब इसमें अंडा मिक्स नहीं है इसके अंदर में, जो बिना अंडे का केक खाना चाहते हैं ये एग रिप्लेसर यूज करके बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये केक के प्रीमिक्सेस हैं, जिनको बनाना नहीं आता जी वो इन प्रीमिक्सेस को यूज करके बना सकते हैं। मतलब डायरेक्ट जाओ और केक बना लो, इसमें सिर्फ वाटर और ऑयल डलेगा जी, और इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे जैसे कि वेनिला, चॉकलेट, रेड वेलवेट, प्लम केक, मावा केक, बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। कितने रुपए से जाती है ये? आपके 180 पर केजी से स्टार्टिंग है। ब्राउनी प्रीमिक्स भी मिल जाएगा जो बिल्कुल मार्केट के जैसा लगता है आप बनाते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं, आगे दिखाएं। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी आपके पास में शुगर रखी हुई है, क्या अलग अलग तरीके की शुगर है, कुछ बता दें इनके बारे में? हाँ जी ये केक में यूज होती है, ब्रेकफास्ट शुगर, आइसिंग शुगर, ब्राउन शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर, आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। क्या बात है, शुगर के भी दोस्तों काफी सारे इनके पास में ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये नोजल की वैरायटी और है, ये आपको कुछ लूज में मिल जाएंगे। ओके लूज में नोजल 25 रुपीज से स्टार्टिंग प्राइस है। ओके मतलब ये सिंगल पीस यहाँ पर आके भी कोई ले सकता है? ये है हाँ जी ये सिंगल भी ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो पा रहे हैं, अभी मैंने आपको पूरा पैक इनका दिखाया था जो कुछ मेरे ख्याल से बहुत सारे पीसेस तो जो 12-13 रुपए से स्टार्ट होता है। हाँ जी पैक में आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, लूज में थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। उसमें आप देख रहे हो साइजेस भी बहुत वेरी कर रहे हैं। जी मतलब लूज के अंदर एक फायदा है कि भैया अगर आपको चाहिए ये तो इनके पास एक आप एक भी ले भी सकते हैं, मात्र 25 रुपीज से स्टार्ट है। नहीं 25 से स्टार्टिंग है, मतलब इसका नहीं कह रहा मैं, एक 25 रुपए से स्टार्ट हो जाता है इनके पास में। बहुत बढ़िया। अब ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ की तरफ में कुछ आइटम रखे हैं, इनके बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स को। ये डबल बॉयलर है जिसमें आप अपनी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। ओके ये गर्म कैसे करेगा, इसे गैस पे रख सकते हैं? हाँ जी ये गैस के लिए है जी। बहुत बढ़िया, ये टर्न टेबल है। ओके जिसपे केक की हम आइसिंग करते हैं, टर्न टेबल उसके लिए जरूरी होता है आइसिंग के लिए। और ये मात्र 150 रुपए से शुरू है हमारे यहाँ ये ओनली। दोस्तों एक बार रखेंगे प्लीज, ये दोस्तों ओनली 150 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी प्यारी क्वालिटी लग रही है ये भी। और इनके पास में ये अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, ये सब अलग अलग है, ये फाइबर में है, ये क्रोम में है, ऐसे मेटल में भी है, ऐसे बहुत वैरायटी आपको टर्न टेबल की हमारे यहाँ मिल जाएगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये बॉक्सेस देख पा रहा हूँ, ये किस चीज के अंदर बॉक्स का माना है? ट्रेज है, चॉकलेट पैकिंग के लिए गिफ्टिंग पर्पस में यूज होती है। ओके बहुत बढ़िया। आगे ये डायरेक्ट बेकेबल लाइनर है विद लिड। ओके इसको बेक एंड सर्व बोलते हैं, आप इसी में अपना केक बेक कर सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं और उसी को सर्व कर सकते हैं। इसी को जब ये कूल हो जाएगा तो आप इस पे लिड लगा के इसे पैक दे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या दिखा रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को? आप दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं काफी बड़ा इनका जो ऑफिस रहने वाला है, बहुत बड़ा रहने वाला है। ये सारी डील अपनी यहीं से ही होती है मैम? हाँ जी हाँ जी, यहीं से हम ऑल ओवर इंडिया कोरियर भेजते हैं। बहुत बढ़िया। और दोस्तों इनके पास से आप सिंगल सेट भी घर बैठे मंगवा सकते हैं, बताएं कुछ इसके बारे में? हाँ जी ये 10 बॉक्स है। ओके ये भी गिफ्टिंग पर्पस से भी काम आता है? हाँ जी स्मॉल साइज में, लार्ज साइज में है, ये भी बहुत अच्छा और रीजनेबल प्राइस पे है। बहुत बढ़िया मैम, आगे की तरफ चलते हैं। ये बॉक्सेस के अंदर क्या चॉकलेट्स रखी हुई है सब में? हाँ जी हाँ जी। ये दोस्तों स्टॉक जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना स्टॉक इनके पास में हमेशा अवेलेबल रहता है, बाकी अंदर भी बहुत सारा रखा हुआ था। ये तो बाहर थोड़ा सा, अंदर बहुत है। ओके
मैं देख पा रहा हूँ आपने इस वाली वॉल को सजा रखा है या किसी चीज के अंदर ये काम आता है बॉक्सेस बताएं। ये डिस्प्ले लगा हुआ है चॉकलेट बॉक्सेस का। ओके अच्छा ये डिस्प्ले है अपने पास में। हाँ जी बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये अंदर का क्या मतलब सजाई जाती है जो अपना अपनी अपने शेप की चॉकलेट आती है दिवाली पे यूज होता है। ठीक है इसमें क्रैकर चॉकलेट्स लगती है। ओके ये थीम बेस्ड है जिसमें किसी भी ओकेजन पे एक बीच में बार आ जाएगी बड़ी जी जी। और साइड में उसी थीम की छोटी चॉकलेट्स आ जाएंगी। बहुत बढ़िया ये 9 कैविटी बॉक्सेस हैं। और ये कुछ ये क्या है ये SMS मैसेज बॉक्सेस हैं। ओके वो भी 1 लाइन में 2 लाइन में 3 लाइन में जैसे कि जो आपने मुझे दिखाया था वो क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स कुछ लिखे हुए थे। हाँ जी हाँ जी। और ये अभी हमने आपको अंदर की तरफ में भी दिखाए थे जो आपको पूरे स्टॉक के अंदर में से सर ने दिखाए थे। ये अपने पास में स्टार्टिंग बॉक्सेस सारे सारे बताइए प्लीज एक बार। हाँ जी ये पेपर बॉक्सेस और ये इस वॉल पे जो बॉक्सेस हैं तकरीबन 8 रुपए से शुरू हैं। 8 रुपए से दोस्तों जो इस वॉल के ऊपर बॉक्सेस है वो स्टार्ट है। लेकिन एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको इनको व्हाट्सअप करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा ये आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे क्योंकि इनके पास में जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वालिटी आपको बहुत सारी मिल जाती है। ये जैसे कि देख पा रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। हैम्पर बॉक्स बोलते हैं इसको। हाँ जी जिसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो जैसे टी टाइम केक है चॉकलेट्स हैं ब्राउनी है मफिन्स हैं काफी चीजें मिक्स करके आप डाल सकते हैं। और ये जैसे कि ये काफी प्यारे बॉक्सेस लग रहे हैं ये भी हैम्पर बॉक्सेस ही बोलते हैं इनको। ये बेबी शार बॉक्सेस हैं ये वाले हैम्पर बॉक्सेस हैं लार्ज साइज में। बहुत बढ़िया और ये थीम बॉक्सेस हैं कुछ प्यारे प्यारे इस तरीके से मिल रहे हैं आपको ये बहुत ही सुंदर मैम। इधर ये स्टिकर्स के कुछ सैंपल लगे हुए हैं। ओके चॉकलेट के ऊपर दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था चिपकाया हुआ था जो या फिर जब हम डिजाइन देंगे जैसे कि क्रैकर्स का डिजाइन दिया तो उसके ऊपर इस तरीके से लग गई। और इसके प्राइस लिखे हुए हैं कि इसके ऊपर में ये नहीं नहीं ये लिखा है एक शीट में कितने आएंगे स्टिकर्स काउंट लिखा है इस पे। ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेबी वाली के अंदर में 50 स्टिकर्स इसके अंदर में आएंगे। हाँ जी एक और प्राइस रेंज के लिए दोस्तों आपको इनको संपर्क करना पड़ेगा नंबर मैंने दिया हुआ उस पर आप कर सकते हैं। और जो ये चीज है इनके बारे में बताइए क्या है ये चॉकलेट रैपर के सैंपल्स लगे हैं कि उसमें कितने कलर्स हैं क्या क्या डिजाइनिंग है जो हमने दिखाए थे थोड़ी देर पहले। हाँ जी ओके जैसे केक बॉक्सेस है ऊपर। ओके ये देखिए कितने सुंदर सुंदर केक बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। केक बॉक्सेस कितने रुपए से स्टार्ट जाते हैं। केक बॉक्सेस आपके तकरीबन 6-7 रुपए से शुरू हो जाते हैं। 6-7 रुपए से साइज के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये क्या चीज है जैसे कि जो आपने इसके अंदर बहुत सारे जगह मफिन बॉक्स है इसमें कपकेक रखे जाते हैं। ओके ये सब मफिन बॉक्स है काफी सारे। ओके बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर सुंदर सबका प्राइस दोस्तों जानने के लिए को इनको एक बार व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और यहाँ की तरफ में कुछ ये बॉक्सेस रखे हुए हैं जो ये वाले बॉक्सेस हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं ये सैंपल बॉक्सेस रखे हुए हैं यहाँ पे। ओके ये जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफी प्यारे लग रहे हैं ये भी। हाँ जी 12 चॉकलेट का है 10 चॉकलेट का है ये 15 चॉकलेट का है। ओके ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे सारे डिजाइनिंग आपको हमारे ऑनलाइन कैटलॉग chococenter.catalog.2 पे मिल जाएगा। जी ये कुछ पेपर बैग्स है गिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं इसमें भी डिफरेंट साइजेस हैं और डिजाइनिंग है जो आप हमारे कैटलॉग पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम बहुत बढ़िया। अब यहाँ की तरफ है जो ये वाली वॉल है इस पे भी काफी प्यारे बॉक्सेस लगे हुए हैं इनके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बता दे प्लीज। सबसे पहले ये नीचे से स्टार्ट करते हैं आई थिंक हैंगिंग वाले से। ये नीचे पेपर बॉक्स बैग है जिसके ऊपर ये मूस कप लगे हैं कुछ। ओके फिर ये बेबी शार्क के बॉक्सेस हैं। ओके ये जार पैकिंग है जी 1 जार पैकिंग 2 जार पैकिंग है। ओके ये सब आप देख रहे हैं ये 1 कपकेक बॉक्स है केक्सिकल बॉक्सेस है ऊपर सारे पीवीसी के बॉक्सेस है जो इकोनॉमिकल रेंज में है और डिफरेंट साइजेस में है। इधर बार बॉक्सेस हैं। ओके ये चॉकलेट हमने दिखाई थी कुछ उस तरीके के। हाँ जी हाँ जी बहुत सही। ये स्टार्टिंग तकरीबन कितने रुपए से जाते हैं अपने पास में। सुमन जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर में स्टार्टिंग तकरीबन कितने रुपए से जाती है। 4 रुपीज से स्टार्टिंग है ये बॉक्स 4 का है ये 6 का है जी ऐसे आपकी रेंज जो है 20 रुपीज तक तकरीबन जाती है। बहुत बढ़िया जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इनके पास में एक ये इस तरीके से हो गया ये दूसरा जो हम देख पा रहे हैं ये वाला जो आपने बताया अभी ये भी गिफ्टिंग पर्पस के लिए ओकेशनल ओकेशन टाइप जो आपने बताया था। हाँ जी और इसकी स्टार्टिंग तकरीबन बताइए आपने 6 रुपए से। हाँ जी और मैक्सिमम कितने रुपए तक जाएगा ये तकरीबन 70-80 रुपीज तक जाएगा। 70-80 रुपए तक दोस्तों जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबके प्राइस के लिए फिर भी दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि एक बार यार आप इनको व्हाट्सअप करें कॉल करें मैसेज करें क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफी क्रिएटिविटी वाले बॉक्सेस भी आपको इनके पास में मिल जाते हैं। अब जैसे कि आते हैं हम इस वाली लाइन के ऊपर बड़े बॉक्सेस वाले जो होते हैं ये तकरीबन स्टार्टिंग बताइए आपने 7 रुपीज से स्टार्टिंग है 6-7 रुपीज से। और ये मैक्सिमम कितने तक जाएंगे जो इधर वॉल पे डिस्प्ले में लगे हैं वो तो अप्रॉक्स 30-35 तक है जी। लेकिन हमारे पास टीयर बॉक्सेस भी हैं जो मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। टीयर बॉक्सेस उतारे प्लीज उतार ले खींच ले प्लीज जो ऊंचे केक होते हैं ना हमारे मतलब डबल स्टोरी जो केक होते हैं डबल स्टोरी 3 स्टोरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेडीमेड आपको मिल जाएंगे इनके पास से आपको साइजेस मिल जाएंगे
प्राइस रेंज क्या होती है? थ्री टीयर तक आपको मिल जाएगा। थ्री टीयर मींस तीन मंजिल तक का। हाँ जी हाँ जी। ओके, और कितने रुपए का? डायमीटर में आपको 10 इंच में, 12 इंच में, 14 इंच में, 16 इंच में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और कितने रुपए तक जाते हैं तकरीबन अपने पास में ये? तकरीबन 50-60 रुपए तक चले जाते हैं। 50-60 रुपए तक दोस्तों कुछ इस तरीके के इनके पास में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। सुमन जैसे कि अभी हमने आपके बॉक्सेस की रेंज दिखाई, अब क्या रेंज दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? आपको हमारे पास क्रीम भी मिल जाएगी। ये क्रीम है? हाँ जी, ये क्रीम की फोटो है, गोल्डन मार्क क्रीम है। हाँ, जिस तरह की काफी सारी क्रीम है। ये सब डिस्काउंटेड प्राइस पे, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, MRP से डिस्काउंट मिलेगा लेकिन प्राइसेस वेरी होते रहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आइए चलिए, ये क्या चीज है अपने पास में? एक बार ये काफी प्यारा लग रहा है, मैं उखाड़ देता इसको। ओके, कैसीनो थीम पे, रॉलेट टेबल का मोल्ड है, उस पे इसका स्टिकर यूज करा है हमने। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आइए बाहर की तरफ। जैसे कि अब मैं आपके इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, काफी सारी चीजें यहाँ पर लटकी हुई है, क्या चीजें इनके बारे में बताए प्लीज एक बार। ये प्लंजर्स हैं जो फॉन्डेंट केक में यूज होते हैं, डिफरेंट वैरायटी है उनकी, मतलब शेप देने के लिए, उनको डिजाइन देने के लिए, जैसे जिस भी थीम पे बनाना हो ना तो उसी थीम का मोल्ड। कंपास का क्या काम है इसमें एक बार प्लीज? ये अवन थर्मोमीटर है जो अवन के अंदर रखा जाता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ओके, और ये डिजिटल थर्मोमीटर है जी, ये भी चॉकलेट का टेम्परेचर देखने के लिए काम आता है। ओके, ये क्या चीज है अपने पास में? ये सिलिकॉन मोल्ड है, बीड मोल्ड है। ओके, बहुत बढ़िया। ये सब डिफरेंट प्लंजर्स हैं, ये मतलब वो कट करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। फ्लावर शेप का है, जैसे ये डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, ये स्नोफ्लेक्स हैं। और साइजेस भी दोस्तों अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब हर तरीके का साइज आपको मिल जाएगा। ये बटरफ्लाई मिल जाएगी आपको इस तरीके से। ये म्यूजिक के थीम पे सिलिकॉन मोल्ड है। क्या बात है, मतलब कोई सिंगर है तो भैया उसके लिए उस तरीके का डिजाइन देना। तो ये क्या चीज है अपने पास में, एक बार इसके बारे में बताएं। स्मूथनर है, जैसे हम वो जो रोल करके बनाते हैं क्लीन करने के लिए, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए। ये क्या चीज है? क्राउन मोल्ड है, सिलिकॉन मोल्ड। हैप्पी बर्थडे। और ये इसके सब, ये इसके मतलब इसके अंदर में पूरी इसी तरह ही शेप के अंदर निकलेगा। हाँ जी, जैसे जिराफ है, आपको कोई जंगल थीम पे केक बनाना है या कुछ है उसमें काम आएगा। ये बेबी शेप है, बेबी शार में काम आएगा। ये बहुत सही, डिफरेंट टाइप की शेप्स है, बेबी शेप में भी साइजेस डिफरेंट है। क्या बात है, सब थीम बेस्ड है ये दोस्तों। इनके पास में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, जो कुछ भी चीज आपके केक में यूज होती है आपको वो हर एक आइटम इनके पास में मिलने वाला है, क्योंकि ये एक बड़े होलसेलर्स के अंदर में आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपको माल प्रोवाइड कराते हैं। ये बेबी बताएं कुछ क्या है? हाँ जी, ये केक पैन है। ओके, जो प्राइम शेप में है, बेबी शार्क केक बनाने में काम आएगा। ऐसे आपको डिफरेंट थीम पे, जैसे स्पॉन्ज बॉब है या बुक है, ऐसे बहुत सारी शेप्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे इधर और सब देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेड एल्यूमिनियम में है ये वाले केक पैन। एक चीज ये कुछ देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये रिबन कटर है जो फॉन्डेंट में काम आता है। रिबन कटर? हाँ जी, उनको पता होगा अच्छे तरीके से। आगे की तरफ चलते हैं मैम, और ये क्या चीजें अपने पास में? ये सब मोल्ड्स हैं ये भी? हाँ जी, बहुत फॉन्डेंट में काम आता है। और जैसे किसी को 3D फिगर बनानी है, शेप करना नहीं आता, तो आप बॉडी शेप देने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सही। अब अंदर की तरफ चलेंगे, आपके कुछ और दिखाना है यहाँ पे। ये यहाँ की तरफ मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या चीजें लगी हुई है? ये भी सब चीजें प्लंजर्स और ये सब है। ओके, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं केक टॉपर्स हैं, और ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया भैया, मार्केट के अंदर ये 200-300 के मिलते हैं। इनके पास में ये आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे, होलसेल के अंदर में मिल जाएंगे, और हर एक डिजाइन के अंदर में आपको मिल जाएंगे। जो लोग, जो भाई हमारे केक बना भी रहे हैं, घर से काम भी कर रहे हैं, तो भैया उनको अगर होलसेल के अंदर मटेरियल चाहिए तो इनके पास में आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बार इस रूम में चले या इस रूम में चले हम, इसमें ये बताएं कुछ इसके बारे में। ये हमारे पास केक बॉक्सेस पड़े हैं। ओके, तो 7 इंच से लेकर 16 इंच तक की मिल जाएंगे। 7 इंच से लेकर 16 इंच तक में मिल जाएंगे। क्या दिखा रहे हैं अभी आप हमारे व्यूअर्स को? ये सोप बेस है। सोप बेस मतलब साबुन है ये? हाँ जी, होममेड सोप बनाने के लिए। ओके, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 100 रुपीज पर केजी से है। क्या बात दोस्तों, आप अपने घर के अंदर साबुन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्या पिघला करके। हाँ जी, मेल्ट एंड पोर होता है। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। ये जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये गोट मिल्क में है जो विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है। क्या क्या बोला आपने, गोट मिल्क? हाँ जी। क्या बात है, मतलब रियल गोट मिल्क से बनी हुई है ये? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और जिनको एलर्जी है, जिनकी स्किन ड्राई है, जी, वो भी इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रीमियम रेंज का है, तो यूनिक क्या हुई एकदम, प्राइस रेंज समथिंग इसकी रहेगी? हाँ जी, ये थोड़ा कॉस्टली रहेगा, प्रीमियम रेंज में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये ओपेक में है, ये ट्रांसपेरेंट में है, इसमें सी थ्रू रहता है। अगर आप इसमें कुछ भी डिजाइनिंग करने के लिए कुछ इसके अंदर एम्बेड करेंगे, जी, तो वो प्रॉपरली विजिबल होगा इसमें। बहुत बढ़िया। जैसे फ्लावर्स टॉयज हम डाल देते हैं, जी, ऐसे आप इसमें डालने के लिए कुछ डालना चाहते हैं, पाउडर स्क्रब सोप बनाना चाहते हो तो। ओके, जैसे कि नीम पाउडर जीरा रखा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये नीम पाउडर है। ऐसे आपको कैलामाइन पाउडर, बहुत तरह के डिफरेंट क्ले पाउडर्स भी हमारे यहाँ मिल जाएंगे। बहुत, और ये सिलिकॉन मोल्ड्स में बनता है, वो भी आपको मिल जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या दिखा रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी दोस्तों, आइटम बहुत सारे हैं यहाँ की तरफ, मैं कुछ हथौड़ा दिखाना चाहते थे मेरे ख्याल से। हाँ जी,
ये क्या चीज है? ये हैमर है, ये डिजाइनर हैमर है जो आजकल पिनाटा केक में यूज हो रहे हैं। ओके, इसकी डिजाइनिंग हमारे पास बहुत सारी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये क्या सजाने के काम आता है? ये चॉकलेट तोड़ने का काम आता है। ओके, चॉकलेट तोड़ने का काम आता है। हैप्पी बर्थडे के जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये आजकल कुछ इस तरह के चल रहे हैं, मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, हर तरीके की क्वालिटी, हर तरीके का हैमर भी मिल जाएगा। और ये स्टार्टिंग तकरीबन है अपने पास में 30 रुपीस से स्टार्टिंग गोल्डन सिल्वर कॉपर और ऊपर ट्रांसपेरेंट लिड भी आपको मिल जाएगी। बहुत ये डस्ट है, डस्ट मतलब ये चॉकलेट के ऊपर लगते हैं कलर्स, ऐसे गोल्डन में सिल्वर कॉपर, मतलब जो घेर देते हैं ऊपर जो लुक अच्छी आए उसके। हां जी ठीक है, ये भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ की तरफ में ये क्या चीज है? ये क्या कुछ सजाने के लिए डॉल है, केक में डॉल केक बनाने के लिए उसमें यूज होता है। बहुत बढ़िया। सुमन बिंदी, लास्ट हमारे व्यूवर्स को ये और बताएं, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता हो, कोई आपसे मिलना चाहता हो, शॉप पे आना चाहता हो, तो किस तरीके से मिल सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो तो मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है, ये सब हमारे व्यूवर्स को बताएं। हाँ जी, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जी। और अगर आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि कैसे बनाया जाता है जी, तो मेरा चैनल है दीपाली जैन के नाम से यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो, उस पर ट्यूटोरियल्स गिवन है। चॉकलेट बनाने की वीडियोस डली हुई है, आप देख सकते हैं। और हमारी शॉप की टाइमिंग 11:30 to 7:30 है, ट्यूसडे क्लोज्ड है। हमारी शॉप दिल्ली में है और आप शॉप से ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमारा ऑनलाइन लिंक है chococenter.catalog.2। बहुत सही। सो दोस्तों, मैम ने सारी चीज़ें आपको बता दी, अगर कुछ भी आप इनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो इनका नंबर मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इन दी लास्ट कुछ भी आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को विराम करते हैं। मैम हाँ जी, हमारी शॉप टाइमिंग 11:30 to 7:30 है, उसके बाद आपके फोन कॉल्स अटेंड नहीं हो पाते, प्लीज आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि काफी सारे लोग बे टाइमिंग भी कॉल करते हैं। हाँ जी हाँ जी, शॉप खुलने से पहले तक ही मैसेज आ जाते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं करा, तो वो आपको वर्किंग आवर्स में ही मिलेगा रिस्पॉन्स आपको, और हम ऑल ओवर इंडिया कोरियर करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम।